सत्यम न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी दर्शक बंधुओं को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज रविवार की खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। भूत प्रेत का साया हटाने के आड़ में एक युवती के साथ तांत्रिक ने गंदा काम किया है। भभूत खिलाकर युवती की मां को तांत्रिक ने अचेत कर दिया। उसके बाद तांत्रिक ने युवती के साथ यह गंदा काम किया है। यह मामला है कोयरौना थाना इलाके के दरवासी गांव का। मिर्जापुर इलाके की एक महिला अपनी 18 वर्षीय पुत्री को लेकर मोतीलाल नामक तांत्रिक के यहां झाड़ फूक कराने गई थी। युवती को देख तांत्रिक मोतीलाल की नीयत खराब हो गई। युवती की मां को भभूत के आड़ में तांत्रिक ने कुछ खिला दिया, जिससे युवती की मां अचेत हो गई। उसके बाद सुनसान स्थान पर ले जाकर युवती के साथ मुंह काला किया। इस घटना से युवती अचेत हो गई थी। जब देर रात मां बेटी घर नहीं पहुंची तो परिजन मिर्जापुर से कलिंजरा पहुंच गए, जहां दरवासी गांव के समीप मां बेटी अचेत पड़ी थी और तांत्रिक फरार था। होश आने पर युवती ने घटना की पूरी जानकारी परिजनों को दी। प्रेत बाधा की साया दूर करने, झाड़ फूक की आड़ में युवती से मुंह काला करने वाले आरोपी तांत्रिक मोतीलाल को एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर कोरोना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही कलिंजरा मोड़ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने 52 वर्षीय तांत्रिक मोतीलाल के पास से 2600 रुपया नगद व एक बाइक भी बरामद की है। तांत्रिक मोतीलाल ने प्रेत बाधा दूर करने के लिए पीड़ित परिवार से 4000 रुपया लिया भी था। युवती के साथ मुंह काला करने के मामले को एसपी ने काफी गंभीरता से लिया था। जानकारी पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई थी। आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना अध्यक्ष गीता राय, उप निरीक्षक प्रमोद सिंह यादव, कांस्टेबल महेश कुमार, विकास कुमार मौजूद रहे। भदोही जिले के गंगा घाटों पर पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए प्रीत भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। गंगा घाटों में आस्था की डुबकी लगाते हुए प्रीत भक्तों ने पितरों के लिए पिंड दान किया। भदोही जिले के रामपुर, जहांगीराबाद, बरजी, डेरवा, गुलौरी, बिहरोजपुर, बिरासपुर, नगरदा, सीतामढ़ी, बाबा सिमरनाथ धाम और आई से सटे भोगांव गंगा घाट पर प्रीति भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी, जहां अपने अपने पुरखों का पिंडदान और तर्पण कर गंगा में स्नान कर उन्हें नमन किया। गंगा घाटों पर भोर से ही प्रीति भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। घाटों की तरफ जाने वाले रास्तों पर फल फूल पूजा सामग्री की दुकानें सजी हुई थी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंगा घाटों पर पुलिस भी मुस्तैद रही। शॉर्ट सर्किट से बकरी में आग लग गई। कच्चे खपरेल बकरी में लगी आग से भारी नुकसान हुआ है। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने डेढ़ घंटे के बाद आग पर काबू पाया। मामला भदोही कोतवाली इलाके के बरमोहनी गांव का है। बरमोहनी गांव के प्रधान संजय यादव के खपरेल की बकरी में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। लगातार आग बढ़ती जा रही थी। संजय यादव ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने डेढ़ घंटे के अथक प्रयास से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी तरह खपरेल की कच्ची बकरी जल चुकी थी और उसमें रखे चावल गेहूं जैसे अनाज जलकर खाक हो गए थे। सूचना पर मोड़ पुलिस भी पहुंची थी। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान की सक्रियता से भदोही के सरोही में घेरा बंदी के बाद सोना तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार दोनों तस्करों के पास से 13 किलो 160 ग्राम सोने का बिस्किट बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 8 करोड़ 45 लाख रुपए बताई गई है। बांग्लादेश की सीमा से 3 तस्कर सोने का बिस्किट लेकर आटिका कार से भदोही जनपद होते हुए महाराष्ट्र जा रहे थे। विदेशी सोने की बिस्किट लेकर जा रहे कार सवार तस्करों की सूचना एसपी तक पहुंची। एसपी ने फौरन क्राइम ब्रांच व जनपद पुलिस को अलर्ट कर दिया। जिले में जगह जगह नाकेबंदी शुरू कर दी गई। तभी एक आटिका कार और आई हाईवे पर दिखाई पड़ी। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो पुलिस से घिरता देख आटिका कार सवार भदोही की तरफ भागने लगे। सरोही बाजार के समीप पहुंचे तो पुलिस ने घेर लिया, जहां कैथीपुर तालाब, मंदिर और मजार के समीप कार छोड़कर तस्कर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर मोरवा नदी के समीप से 2 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक तस्कर भाग निकला। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान ने बताया कि राजस्व असूचना निदेशालय
DRI वाराणसी ने सूचना दी थी कि एक अटका कार से तस्कर विदेशी सोना बिस्किट लेकर भदोही जनपद में घुसे हैं। बस क्या था, खुद SP डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान लाव लश्कर के साथ सोना तस्करों को गिरफ्तार करने में जुट गईं। आखिरकार SP की सक्रियता के चलते सोना तस्कर भदोही शहर से सटे सरोही से गिरफ्तार कर लिए गए। कार छोड़कर तस्कर फरार हो गए थे, लेकिन थोड़े ही देर में दो तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। एक तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। गिरफ्तार दोनों तस्करों के पास से 8,45,00,000 रुपए का विदेशी सोने का बिस्किट बरामद हुआ है। गिरफ्तार तस्कर राहुल महादेव व दीपक मोरे महाराष्ट्र के बताए गए हैं, जबकि तीसरा तस्कर आशीष विट्ठल अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में कामयाब रहा। डूडा का कर्मचारी बताकर आवासीय योजना के नाम पर धन ऐंठने वाले दो युवकों को ग्रामीणों ने दबोच लिया। यह पूरा मामला है अवराई के भरतपुर गांव का। ग्राम प्रधान दयाशंकर यादव ने बताया कि गुरुवार को बस्ती में दो युवक पहुंचे थे। दोनों युवक अपने को डूडा का कर्मचारी बताते हुए आवास दिलाने के नाम पर बस्ती की गीता देवी से 8,000 व रामा नामक व्यक्ति से 6,000 रुपया ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिया। शनिवार को एक बार फिर दोनों युवक इसी गांव में पहुंच गए थे। ठगबाजी करते दोनों युवकों की पोल खुल गई, दोनों को ग्रामीणों ने दबोच लिया। ग्राम प्रधान दयाशंकर यादव ने बताया कि पड़ताल में दोनों डूडा के फर्जी कर्मचारी पाए गए, जो एक फार्म भरवाकर आवासीय योजना के नाम पर धन उगाही कर रहे थे। अपने को फंसता देख युवकों ने गीता और रामा का पैसा वापस कर अपनी जान बचाई। इस दौरान दलित बस्ती में ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। जय सियाराम के जयकारे से रजपुरा का रामलीला मैदान गूंज उठा। शनिवार की रात से भदोही की सुप्रसिद्ध दूसरे चरण की रामलीला रजपुरा के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में शुरू हो गई है, जहां आरती में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्री रामलीला महासमिति के महामंत्री सतीश गांधी ने बताया कि शनिवार की रात रामलीला मंचन का शुभारम्भ नारद मोह मनु सतरूपा तप रावण जन्म आकाशवाणी मेघनाथ दिग्विजय के मंचन से किया गया। मथुरा वृंदावन के कलाकारों द्वारा ऐतिहासिक श्री रामलीला का मंचन किया जा रहा है। रामलीला देखने के लिए आसपास के मोहल्ले से लोग पहुंच रहे हैं। चौरी थाना इलाके के भुलईपुर गांव के बनवासी बस्ती में एक विवाहिता की अबूझाल में मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने ससुरालियों पर विवाहिता को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। कपसेठी के नहवानीपुर निवासी भोनू बनवासी ने अपनी 22 वर्षीय बेटी वंदना बनवासी की शादी 2 साल पहले भुलईपुर निवासी रामरती के पुत्र रिंकू बनवासी के साथ की थी। शुक्रवार की रात वंदना का शव ससुराल में झोपड़ी के बाहर पाया गया। उधर मायके वालों का आरोप है कि ससुराली विवाहिता का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। हालांकि सूचना पर पहुंची चौरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मायके वालों का आरोप है कि अक्सर ससुराली तरह तरह की बातों को लेकर वंदना को प्रताड़ित करते थे। पति व ससुर को हिरासत में लेते हुए चौरी पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। SP डॉक्टर मीनाक्षी कत्या ने शनिवार को कोरोना थाने का औचक निरीक्षण किया है। SP ने थाना परिसर का भ्रमण कर कार्यालय हवालात मालखाना मेस बैरक साफ सफाई का जायजा लिया। साथ ही अपराध रजिस्टर भूमि विवाद रजिस्टर आदि महत्वपूर्ण अभिलेखों का अवलोकन कर थाना क्षेत्रों में घटित अपराधों के विषय में पूछताछ की। साथ ही दुर्गा पूजा को लेकर असामाजिक तत्वों पर निगरानी व चौकस रहने का थाना अध्यक्ष गीता राय को SP ने निर्देश दिया है। सूर्यामा कोतवाली में शनिवार को पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। यह बैठक SDM आकाश कुमार व CO अजय कुमार चौहान की अध्यक्षता में संचालित की गई। इंस्पेक्टर विनोद दुबे की मौजूदगी में आयोजित इस पीस कमेटी में पूजा पंडाल समिति व इलाके के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे, जहां अधिकारियों ने दुर्गा पूजा पंडाल की सुरक्षा को लेकर कई अहम हिदायत दी है। पूजा पंडाल में किसी भी प्रकार का गुफा नुमा रास्ता न बनाने व हाइलोजन बल्ब न लगाने की चेतावनी दी है। साथ ही अधिकारियों ने कहा कि DJ के आवाज मानक के अनुसार हों। सूर्यामा थाना क्षेत्र में 119 प्रतिमाएं स्थापित होंगी। सभी पूजा समितियों से आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाए जाने की अपील की है। बैठक में कस्बा चौकी इंचार्ज महेंद्र कुमार व पाली चौकी प्रभारी श्यामजीत यादव सहित आदि लोग मौजूद रहे।
भदोही शहर के पायल टाकीज एमए समद स्कूल के समीप बेंच पर बैठने को लेकर बाजार रुस्तम खान निवासी आकिब अली नामक युवक को मारपीट कर घायल कर दिया गया है। घायल आकिब का इलाज MBS भदोही में कराया गया है। आकिब की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने काजीपुर निवासी फरहान कसान साजेब इरफान के खिलाफ 323-504 के तहत NCR दर्ज किया है। 14 अक्टूबर को भदोही जिले में बौद्ध दीक्षा दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अंबेडकर मिशन विकास समिति के बैनर तले गोपीगंज के गांधी के सागर रायपुर गांव के अंबेडकर पार्क में बौद्ध दीक्षा दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के साथ साथ विशाल मेला सजा था। कार्यक्रम का शुभारम्भ भगवान बुद्ध व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। बौद्ध दीक्षा दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में सारनाथ से बौद्ध भिक्षु भी पहुंचे थे। गांधी के सागर रायपुर अंबेडकर पार्क में 1998 से लगातार दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाता है। समारोह में बिरहा का भी आयोजन किया गया था, जिसमें सुल्तानपुर के गायक मुन्ना भारती व मिर्जापुर की गायिका संगम सरोज के बीच मुकाबला हुआ। इस मौके पर पार्क में भव्य मेला भी सजा था, जिसमें तमाम दुकानें सजी थीं। इस मौके पर मेहिलाल गौतम, सिल्वान बौद्ध, डॉक्टर विनोद कुमार गौतम, धर्मेंद्र, शिवचंद, अनिल आदि मौजूद रहे। विश्व हाथ धुलाई दिवस की पूर्व संध्या पर भदोही शहर के सरोही कंपोजिट विद्यालय में हाथ धुलाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विद्यालय की प्रधानाध्यापक रेणु राय ने 6 घंटी बजाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां स्कूली बच्चों को हाथ धोने के तरीके व उसके फायदे बताए गए। अध्यापकों ने बच्चों को शौच से आने के बाद व खाना खाने से पहले साबुन या हैंड वॉश के हाथ धोने के फायदे बताए। विश्व हाथ धुलाई की पूर्व संध्या पर सरोही के कंपोजिट विद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर इरफान अंसारी, सूरज शुक्ला, अनीता आशीष पांडे, शकीला अमृत मिश्रा आदि मौजूद रहे। डीग ब्लॉक के तुलसी कला निवासी आशीष पांडे ने थाना दिवस पर कोरोना पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए जमीन की पैमाइश व मेड़बंदी कराने की मांग की है। थाना समाधान दिवस पर प्रार्थना पत्र देते हुए आशीष पांडे ने कहा कि वह पैमाइश के लिए आदेश कराया है, लेकिन राजस्व निरीक्षक पैमाइश में हीला हवाली कर रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए आशीष पांडे ने पैमाइश व मेड़बंदी कराने की मांग की है। शनिवार को भदोही जिले के सभी थाना कोतवालियों में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। ज्ञानपुर कोतवाली में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, ज्ञानपुर में नायब तहसीलदार नितिन सिंह, कोयरौना में SDM भान सिंह, CEO प्रभात राय, इंस्पेक्टर गीता राय, भदोही कोतवाली में CEO अजय कुमार चौहान, तहसीलदार संजय कुमार, इंस्पेक्टर अजय सेठ ने फरियाद सुनी है। जिले के सभी थाना व कोतवालियों में कुल 58 शिकायती पत्र पहुंचे थे। मौके पर 9 शिकायती पत्रों का निस्तारण किया गया। शेष बचे शिकायती पत्रों का जल्द से जल्द निस्तारण करने का निर्देश दिया गया है। गोपीगंज के रामलीला मैदान में शनिवार को कलाकारों ने धनुष यज्ञ का मंचन किया, जहां शिव धनुष टूटते ही ब्रह्मांड में खलबली मच गई। शिव धनुष टूटते ही भगवान राम के गले में माता सीता ने वरमाला डाल दिया। धनुष यज्ञ की लीला देख श्री राम के जयकारे से रामलीला परिसर गूंज उठा। बघेल रामलीला समिति गोपीगंज द्वारा आयोजित रामलीला मंचन में 5वें दिन कलाकारों ने धनुष यज्ञ, सीता स्वयंवर, परशुराम लक्ष्मण संवाद का मंचन किया। कलाकारों के बेहतर मंचन को देख लोग भाव विभोर हो गए। रामलीला मंचन देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। इस मौके पर अजीत सिंह बघेल, उमेश सिंह बघेल, अखिलेश सिंह, चिट्टू कन्हैया तिवारी आदि मौजूद रहे। दहेज लोभी ससुरालियों की मांग, गरीब बाप जब पूरी नहीं कर पाया तो लोभी ससुरालियों ने बेटी व उसके मासूम बच्चों को धक्का देते हुए घर से निकाल दिया। यह मामला है औराई के उपरोट का। उपरोट की रहने वाली उषा देवी ने महिला थाने में शिकायत की थी कि उसकी शादी चौरी के अनेकपुर निवासी प्रदीप कुमार से हुई थी। पति का एक दूसरी महिला से अवैध संबंध हो गया। जब उसने विरोध किया तो ससुराली प्रताड़ित करने लगे और 1 लाख रुपए की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसे मारपीट कर ससुराल के घर से बाहर कर दिया गया और वाहन में भरकर उसका पति मायके के गांव के समीप छोड़कर भाग गया। उषा देवी की तहरीर पर ज्ञानपुर महिला थाने की पुलिस ने चौरी के अनेकपुर निवासी पति प्रदीप कुमार, देवर आशीष कुमार, ससुर रामजी सरोज, सास बुट्टन देवी, ननद परमीला व अंजलि के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
मिशन शक्ति फेज 4 के तहत शनिवार को जिला कलेक्टर से एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्या ने शक्ति दीदी अभियान के तहत महिला स्कूटी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व स्वावलंबन के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एसपी ने स्कूटी रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली मुख्यालय से ज्ञानपुर दुर्गागंज तिराहा होते हुए गोपीगंज पहुंची। स्कूटी रैली पुनः मुख्यालय पहुंचकर समाप्त हो गई। शक्ति दीदी अभियान के तहत महिला पुलिस कर्मियों द्वारा गाँव में जन चौपाल लगाने के साथ ही साथ बस स्टैंड, स्कूल कॉलेजों के समीप पहुंचकर महिलाओं को जागरूक भी किया जा रहा है तथा हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय ने इस अभियान में लगी शक्ति दीदी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बालिकाओं व महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत शनिवार को जिले के अलग अलग इलाकों से रैली व प्रभात फेरी निकाली गई थी। ज्ञानपुर प्राथमिक विद्यालय से निकाली गई मिशन शक्ति रैली लोक निर्माण विभाग कार्यालय बालीपुर तहसील रोड शीतलपाल तिराहा होते हुए पुनः विद्यालय पर पहुंचकर समाप्त हो गई। रैली में अखिलेश कुमार यादव, विमल मिश्रा, तृप्ति श्रीवास्तव, रंजना कुमारी, शिवम श्रीवास्तव मौजूद रहे। इसी तरह डीह ब्लॉक के चौखंडी बड़ा गांव प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य संतोष सिंह के नेतृत्व में मिशन शक्ति के तहत जागरूकता रैली निकाली गई थी। मिशन शक्ति अभियान के तहत ही अभोली ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय आनंद डीह से प्रधानाचार्य शैलेंद्र यादव की देखरेख में जागरूकता रैली निकाली गई थी। जागरूकता रैली में बड़ी संख्या में बच्चियां व अध्यापक गण मौजूद रहे। अगर आप ईमानदार व सच्ची पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो आप सत्यम न्यूज की खबरों को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें। सत्यम न्यूज अखबार, सत्यम न्यूज चैनल व सत्यम न्यूज वेब पोर्टल आपके जिले का मीडिया प्लेटफॉर्म है। आपके इलाके में कहीं भी हो कोई खबर, आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ एक बार फिर आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक बधाई। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।